आगे बढ़ेंगे खबरों में। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज छठा दिन है। दोपहर 2 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। आज सदन में सीएम के प्रेस ब्रीफिंग के दौरान हंगामे का मुद्दा भी उठेगा। साथ ही आज सदन में कई विधेयक भी पेश किए जाएंगे। संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 पेश किया जाएगा, जिसमें आंदोलन के दौरान सरकारी और निजी संपत्ति को अगर नुकसान पहुंचाया जाता है तो इसकी वसूली आंदोलनकारियों से होगी। संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर सजा का भी प्रावधान रखा गया है। यूपी की तर्ज पर हरियाणा ने बिल ड्राफ्ट तैयार किया। वहीं सेशन में प्रश्नकाल के दौरान तमाम विधायकों की ओर से लगाए गए सवाल रखे जाएंगे। मुख्यमंत्री की ओर से पेश किए गए बजट पर भी चर्चा होगी। तो विपक्ष बजट, रोजगार, अवैध कॉलोनियों समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरेगा। हरियाणा विधानसभा की आज की कार्यवाही से पहले हरियाणा बीजेपी विधायक दल की अहम बैठक भी होने जा रही है। ये बैठक हरियाणा निवास में दोपहर 12:30 बजे होगी। बैठक में विधानसभा की कार्यवाही और बजट सेशन में आने वाले दिनों को लेकर चर्चा की जाएगी। ऑनलाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ विनोद लांबा जुड़ गए हैं। विनोद, आज का दिन कितना महत्वपूर्ण, क्या कुछ खास रहेगा आज सदन की कार्यवाही के दौरान? निश्चित तौर पर बड़ा महत्वपूर्ण दिन, प्रश्नकाल से आज के दिन की शुरुआत होगी। छठा दिन है बजट सेशन का। छठे दिन प्रश्नकाल से शुरुआत के बाद तमाम महत्वपूर्ण बिल भी रखे जाएंगे। और ये भी नहीं भूलने वाली बात है कि आज खास तौर से विपक्ष तमाम जो सिलसिलेवार तरीके से जो मुख्यमंत्री का बजट भाषण था उस पर चर्चा करेंगे और बजट को लेकर भी चर्चा की जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण दिन और कानून की चर्चा, जिसको लेकर जी मीडिया ने बहुत पहले ही खबर को दर्शकों के सामने रख दिया था कि हरियाणा ने भी जिस तरह से संपत्ति क्षति वसूली विधेयक की तैयारी कर ली है उसको आज पेश किया जाएगा। जो जानकारी हमें मिल पा रही है, और ये भी संभव है कि खुद हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज उस विधेयक को रखें, और उस विधेयक को रखने के बाद आज जिस तरह से उसे कानून को बनाने की ओर अग्रसर होंगे। और बहुत लंबे समय से ये जानकारी थी और उस जानकारी को आज कहा जाए कि विधानसभा के सदन में रखा जाएगा। कई महत्वपूर्ण बिलों पर चर्चा होगी, बिल भी रखे जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण है कि बजट भाषण के बाद आज बजट पर चर्चा शुरू हो रही है। प्रश्नकाल में सवाल रखे जाएंगे और चिरंजीवी राव की बात की जाए, बलराज कुंडू की बात की जाए, तमाम विधायकों के भी सवाल हैं और सोमवीर सागवान जैसे विधायकों के भी सवाल हैं। तो निश्चित तौर पर हंगामेदार सेशन की और उम्मीद की जा सकती है। तीखी बहस के साथ अगर आज कहें कि दिन की उम्मीद की जाए इस विधानसभा सत्र की तो गलत नहीं होगा। और सबसे महत्वपूर्ण कानून के लिहाज से कि सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने को लेकर हरियाणा में अपना जो कानून है उसे अब हरियाणा विधानसभा के पटल पे रखने के साथ ही तय हो जाएगा कि कितना जुर्माने का प्रावधान है। और किसी तरह से हिंसक आंदोलन या तोड़फोड़ के आंदोलन प्रदेश में होते हैं और यूपी पर ये बहुत दिनों से लागू है और यूपी के बाद अब हरियाणा भी इस कानून को लेके आ रहा है, तो वो काफी महत्वपूर्ण होगा। और जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहा है प्रदेश में, हालांकि राहत की बात ये है कि वो बड़ी आगजनी है, कोई इस तरह की घटनाएं नहीं हुई है, लेकिन विरोध के बाद उस संपत्ति का नुकसान होने के बाद उस संपत्ति के नुकसान की वसूली संबंधित कानून हरियाणा में लाया जाना है, ऐसे में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, आपका शुक्रिया विनोद इस पर जानकारी देने के लिए।